एक ट्रक है हमारा पुलिस का, जिसको एक रिक्शे ने हिट किया है और अभी तक ये एस्टेब्लिश हुआ है कि शायद रिक्शे में या तो एक्सप्लोसिव है या उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बर था, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे पड़ी हुई है और इसके नतीजे में जो है वो ट्रक जो है पुलिस का वो टॉपल हुआ है और वो फिर जाके खाई में गिरा है, जिसमें खाई में गिरने की वजह से जो है वो पुलिस का जो नुकसान है, जिसमें हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसमें टोटल जो है 3 गाड़ियां इसके जद में आई हैं, एक पुलिस की ट्रक है, एक मेहरान कार है और एक जो है वो करोला कार है। तो टोटल जो इसमें कैजुअलिटीज़ हैं वो एक पुलिस का जवान शहीद है, जो ट्रक टॉपल होने की वजह से जब गिरा है तो वो जवान उसके नीचे आया है। इसके अलावा एक सिविलियन जो है उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची है, बाकी तमाम इंजर्ड हैं। पुलिस के तकरीबन 20 के लगभग अहलकार जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से 2 सीरियस हैं और बाकी जो है उनको चोटें जो है वो कम हैं, क्योंकि ट्रक टॉपल हुआ है उसकी वजह से उनको चोटें आई हैं। सिविलियन साइड से भी तकरीबन 4 जो हैं वो ज़ख्मी हैं और वो उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। सर, कितना किलोग्राम बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ था? ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि 20 से 25 किलोग्राम तो इसमें मिनिमम जो है वो हम जो देख रहे हैं जो क्राइम सीन को, फिर जिसने ट्रक को टॉपल किया है तो वो प्रॉबेबली इतनी उसकी जो है वो क्वांटिटी होगी। सर, ये बताइए कि पोलियो के लिए टीमें डिप्लॉय हो रही थी एलकार को रास्ते में उतारा जा रहा था, सिक्योरिटी थ्रेट भी जारी हुआ था इस बारे में जी? ये मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ये पोलियो ड्यूटी के लिए ट्रक जा रहा था और सिक्योरिटी तो देखें थ्रेट्स तो हर वक्त है और बिल्कुल, लेकिन ड्यूटी है एक, वो भी एक नेशनल कॉज है और उसके लिए पुलिस जो है वो हमने डिप्लॉय करनी है। आपने देखा होगा कि कुछ इंसिडेंट्स जो है वो माजी में ऐसे हुए हैं पोलियो टीम्स के ऊपर, तो हमारा मिशन है कि हम पोलियो को एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो उस सिलसिले में ही जो है ये डिप्लॉयमेंट के लिए हर टीम के साथ जो डिप्लॉयमेंट है हमारी उसके लिए इस नफरी को जो है वो हम मूव कर रहे थे, तो ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है।